तो विश्व कप 2023 के फाइनल में हार से हम सभी भारतीय फैंस अभी तक उभरे भी नहीं है। किसी बीच बीसीसीआई और ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के बीच टोटल 5 टी20 मैचों के सीरीज रख दिए, जो 23 नवंबर 2023 से लेकर 3 दिसंबर 2023 तक भारत में खेली जाएगी। अब इस सीरीज के लिए जहां ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट बोर्ड ने ऑस्ट्रेलिया का 15 मेंबर्स कंफर्म और फाइनल टीम स्क्वाड ऑफिशियली आधिकारिक तौर पर अनाउंस कर दिया है, जहां ऑस्ट्रेलिया की टीम में कई सारी बड़ी बड़ी चेंजेस हुई हैं, तो वही स्क्वाड अनाउंस होने के बाद भी टीम से दो बड़े खिलाड़ी बाहर हो चुके हैं, उनका रिप्लेसमेंट भी अनाउंस हो चुका है। तो इसके अलावा बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया का 16 मेंबर्स 16 सदस्यीय टीम स्क्वाड घोषित कर दिया था, जहां भारतीय टीम में भी कई सारी चेंजेस और बदलाव की गई हैं। इस वीडियो में दोनों ही टीमों का कंफर्म टीम स्क्वाड दिखाने और बताने वाले, साथ ही साथ दोनों ही टीमों को कंपेयर करेंगे कि अगर किसका प्रलाप भारी है, कौन सी टीम ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले ऑस्ट्रेलियाई टीम के बारे में, जिसने वर्ल्ड कप 2023 का खिताब जीता है। तो ऑस्ट्रेलियाई टीम से कई बड़े बड़े खिलाड़ियों को रेस्ट यानी कि आराम दिया गया है वर्ल्ड कप के बाद, जहां कप्तान पैट कमिंस इस सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे। इसके अलावा मिचेल स्टार्क जोश हेजलवुड को भी आराम दिया गया है इस सीरीज के लिए। इसके अलावा डेविड वार्नर को जहां पहले टीम स्क्वाड में शामिल किया गया था, लेकिन अब डेविड वार्नर ने इस सीरीज से अपना नाम वापस ले लिया है, वो रेस्ट चाहते हैं। तो डेविड वार्नर के बाहर होने के बाद उनकी जगह पर टीम में ऑलराउंडर आरोन हालडेई को शामिल किया गया, जो शानदार ऑलराउंडर माने जाते हैं। तो वहीं टीम में पहले यंग गेंदबाज स्पेंसर जॉनसन को भी शामिल किया गया था, लेकिन ये इंजरी की वजह से इस सीरीज से बाहर हो गए। उनकी जगह पर केन रिचर्डसन को शामिल किया गया, जो शानदार एक्सपीरियंस गेंदबाज माने जाते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया का 15 मेंबर्स टीम स्क्वाड कुछ इस तरह से इस टी20 सीरीज के लिए भारत के खिलाफ नंबर 1 ट्रेविस हेड, नंबर 2 मैथ्यू शॉट, नंबर 3 स्टीवन स्मिथ, नंबर 4 टिम डेविड, नंबर 5 ग्लेन मैक्सवेल, नंबर 6 मार्कस स्टोइनिस, नंबर 7 शेन अबॉट, नंबर 8 आरोन हालडेई, जबकि नंबर 9 पर मैथ्यू वेड कप्तान और विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 10 पर जोश इंग्लिश, तो वही नंबर 11 तनवीर सांगा, नंबर 12 आदम जंपा, नंबर 13 जसन बेरेंड्रॉफ, नंबर 14 नथन एलिस, नंबर 15 केन रिचर्डसन। तो ये था ऑस्ट्रेलिया का कंफर्म टीम स्क्वाड भारत के खिलाफ। बात करें टीम इंडिया के स्क्वाड के बारे में, तो बीसीसीआई ने भी टीम इंडिया के स्क्वाड अनाउंस कर दिया था। तो कुछ इस तरह से भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए। तो नंबर 1 सूर्य कुमार जरो कप्तान, नंबर 2 यशस्वी जायसवाल, नंबर 3 तिलक वर्मा, नंबर 4 ऋतुराज गायकवाड वाइस कैप्टन, जो सिर्फ शुरुआती 3 टी20 मैच में उप कप्तानी करते हुए दिखाई देंगे। नंबर 5 पर सराज अय्यर वाइस कैप्टन, जो सिर्फ आखिरी के 2 मैच यानी कि 4th और 5th टी20 मुकाबला खेलेंगे और उप कप्तान रहेंगे। नंबर 6 शिवम दुबे, नंबर 7 रिंकू सिंह, नंबर 8 ईशान किशन विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 9 जितेश शर्मा विकेट कीपर बैट्समैन, नंबर 10 अक्षर पटेल, नंबर 11 वाशिंगटन सुंदर, नंबर 12 रवि बिश्नोई, नंबर 13 अवेश खान, नंबर 14 प्रसिद्ध कृष्णा, नंबर 15 मुकेश कुमार और नंबर 16 पर अर्शदीप सिंह। तो ये भारतीय टीम का स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इस टी20 सीरीज के लिए। इस वीडियो में आगे दोनों ही टीमों की कंपैरिजन करने वाले कि आखिर किसका प्रलाप भारी है, कौन सी टीम मजबूत है और कौन सी टीम कमजोर है। लेकिन उससे पहले इस वीडियो का ऑफिशियल स्पॉन्सर है स्टार 11 ऐप, जहां पर टीम बनाना और खेलना काफी ज्यादा आसान है और जितना भी काफी ईजी है, क्योंकि यहां पर काफी ज्यादा कम लोग खेलते हैं। अगर आप भी अपनी टीम बनाओगे इस ऐप पर और खेलोगे, तो आप भी बड़े ही आसानी से कंफर्म है कि जीत जाओगे। आपके जीतने के चांस यहां पर 99% रहते हैं। दूसरे फैंटेसी ऐप में आप अपने दोस्तों के साथ नहीं खेल सकते हैं, लेकिन इस ऐप में आप अपने दोस्तों के साथ भी खेल सकते हैं। अगर आप अपनी टीम बनाते हैं इस ऐप में, तो चाहे तो अपनी टीम अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपका दोस्त आपकी टीम देखकर टीम आसपास या फिर अलग बनाता है, तो फिर आप चाहे जीतो या फिर हारो, तब भी आप जीत जाएंगे। इस ऐप की खास बात यह है कि अगर आप फर्स्ट आते हैं, तो आपको विनिंग प्राइस तो मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ पूरे ग्रुप्स का भी पैसा मिल जाएगा। तो है ना कमाल का ऐप। तो अभी फटाफट स्टार 11 ऐप को डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, लिंक पर क्लिक करिए, स्टार 11 ऐप को डाउनलोड करिए और बनाइए अपनी टीम। पढ़ते हैं वीडियो की ओर, तो करते हैं कंपेयर दोनों ही टीमों की। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया दोनों ही खेमों से बड़े बड़े खिलाड़ियों को आराम दिया गया, जैसे कि भारतीय टीम से रोहित शर्मा, विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी समेत ये बड़े बड़े खिलाड़ी नहीं खेलेंगे, जहां हार्दिक पांड्या इंजरी की वजह से इस सीरीज के अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे। तो वही कुछ खिलाड़ियों को टीम से ड्रॉप भी किया गया है, जहां संजू सैमसन को टीम में शामिल नहीं किया गया। इसके अलावा युजवेंद्र चहल को भी टीम में नहीं रखा गया है। तो वही भुवनेश्वर कुमार को भी टीम में शामिल नहीं
किया गया इस सीरीज के लिए। तो आप कह सकते हैं कि ये दोनों ही टीमों की सेकंड स्ट्रिंग टीम है। तो जहां ऑस्ट्रेलिया टीम में ज्यादा बल्लेबाज नहीं चुने गए सीरीज के लिए, हालांकि ऑस्ट्रेलिया टीम में ट्रैविस हेड है, जिन्हें कौन भूल सकता है, जिन्होंने फाइनल मैच पूरा पलट दिया था भारत के खिलाफ। इसके अलावा टीम में एक्सपीरियंस खिलाड़ी स्टीवन स्मिथ मौजूद है, टीम में टीम डेविड भी मौजूद है, जो शानदार खिलाड़ी माने जाते हैं, T20 फॉर्मेट के जबरदस्त फिनिशर है। तो वहीं भारत के पास यशस्वी जायसवाल, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव समेत कई शानदार खिलाड़ी मौजूद हैं। तो वहीं T20 स्पेशलिस्ट रिंकू सिंह और शिवम दुबे भी मौजूद हैं। तो नंबर ऑफ प्लेयर्स भले ही भारत के पास ज्यादा हो, लेकिन दोनों टीमों के पास क्वालिटी बल्लेबाज मौजूद हैं। तो वहीं विकेट कीपर्स की बात करें तो जहां भारत के पास ईशान किशन और जितेंद्र शर्मा है, जबकि ऑस्ट्रेलियाई टीम में मैथ्यू वेड और जोश इंग्लिस मौजूद हैं। अगर हम सभी विकेट कीपर्स को देखें तो कहीं ना कहीं ईशान किशन सबसे बेस्ट विकेट कीपर बैट्समैन है इस सीरीज में। ईशान किशन बड़ी और छोटी टीमों के खिलाफ शानदार जबरदस्त प्रदर्शन कर चुके हैं इससे पहले भी, और वो लगातार परफॉर्म करते हैं। अगर हम ऑलराउंडर्स की बात करें तो यहाँ पर साफ पलड़ा ऑस्ट्रेलिया का भारी दिखाई दे रहा है। ऑस्ट्रेलिया टीम में ग्लेन मैक्सवेल, मार्कस स्टोइनिस जैसे शानदार जबरदस्त ऑलराउंडर मौजूद हैं। बात करें स्पिनर्स की तो भारत के पास रवि बिश्नोई है स्पेशलिस्ट स्पिनर, तो ऑस्ट्रेलिया के पास तनवीर सांगा और आदम जम्बा मौजूद हैं। लेकिन आदम जम्बा भले ही वर्ल्ड कप 2023 में शानदार परफॉर्मेंस दे चुके हैं, लेकिन मुझे लगता है कि रवि बिश्नोई इनमें से सबसे बेहतरीन स्पिनर गेंदबाज हैं। तो बतौर तेज गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टीम में जेसन बेरेंड्रॉफ, नथन एलिस और केन रिचर्डसन मौजूद हैं। तो भारत के पास मुकेश कुमार, प्रसिद्ध कृष्णा, अर्शदीप सिंह और अवेश खान मौजूद हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के पास एक्सपीरियंस काफी ज्यादा है गेंदबाजी में, तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा सा भारी दिखाई दे रहा है। ओवरऑल दोनों टीमों में एक से बढ़कर एक शानदार यंग खिलाड़ी मौजूद हैं, और ऑस्ट्रेलिया टीम में तो कुछ एक्सपीरियंस खिलाड़ी भी मौजूद हैं, चाहे स्टीवन स्मिथ हो गए या फिर मार्कस स्टोइनिस, ग्लेन मैक्सवेल, आदम जम्पा, और भारत के पास इतना एक्सपीरियंस नहीं है इस T20 श्रृंखला में। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ऑस्ट्रेलिया के सामने भारत की ये यंग टीम शानदार जबरदस्त खेल दिखाएगी। इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।